हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशास गुड लाइफ एंड गोकर्णा में आज हमारा डे फर्स्ट है। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अराउंड 6:30 और हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमने बीच पे ही नाइट स्टे किया था, कुंडले बीच पे। अभी हमें जाना है सेकंड बीच जिसका नाम है ओम बीच, जो एक पहाड़ को क्रॉस करके ट्रेक करके जाना था हमें, तो हम इसलिए जल्दी उठ गए थे। अभी हम टॉप पर पहुंच चुके हैं एंड अभी वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये टॉप पे रोड बना हुआ है जहाँ से ऑटो भी लगते हैं और आप इस ऑटो से आप नीचे तक ओम बीच तक जा सकते हो। ज़्यादा नहीं लेगा, 100 रुपीज़ लेगा। और यहाँ से हमने जो चूज़ किया है ये शॉर्टकट था और ये हमें ओम बीच तक ही पहुँचाएगा। और अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं और सुबह का इतना अच्छा वेदर था कि ऑटो से जाना बनता ही नहीं है। एंड यहाँ पे सब मस्ती कर रहे थे, नींद चुराई मेरी किसने वो सनम तूने, तो किसी से हो ही नहीं पाया। एंड गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं और ट्रैक में बता रही थी ना, इतना सिंपल है, स्टेयर्स बनी हुई है और आप आराम से जा सकते हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ये वाला रास्ता है जो बहुत सिंपल है और शॉर्टकट भी है। अभी व्यू देख रहे हो, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। एंड देन गाइज, फिर हम ओम बीच पे आ गए थे और उसके बाद यहाँ पे सामने साइड में एक फेमस नमस्ते कैफे हैं, यहाँ पे सबसे अच्छा एक वही है। हम उसके अंदर गए क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। मॉर्निंग का टाइम तो कुछ नहीं खा के आए थे, अर्ली मॉर्निंग आए थे और आते आते हमें धूप हो चुकी थी, मैक्सिमम 1 घंटा लग चुका था। हम यहाँ देख रहे थे, सीट नहीं मिल रही थी, सीट्स तो बहुत सारी खाली थी, बट हमें चाहिए था सी का व्यू जहाँ बैठ के हमें खाना था। एंड गाइस, आप यहाँ से देख सकते हो। एंड फाइनली हमें सीट मिल गई जहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा था और धूप भी नहीं आ रही थी। एंड यू कैन सी गाइज कि जो ओम बीच फेमस है वो किस लिए है, बिकॉज उसका जो सेप है वो ओम जैसा बना हुआ है। और गाइज, फिर हम फोटो सेशन के लिए ऊपर चढ़ रहे थे, यहाँ पे ओम बीच पे ही था ये सब कुछ और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। हम यहाँ ऊपर चढ़ रहे थे सब। Yeah.
बाद हमने वाटरमेलन खाया बीच पे और फिर हम निकल चुके थे। सो बाद में हमने नीचे जाने के लिए मतलब कुंडले बीच पे जाने के लिए हमने ऑटो ही चूज़ किया, बिकॉज इतनी धूप हो चुकी थी कि हम पैदल जा ही नहीं सकते थे। चुके हैं एंड फाइनली गाइज हम हमारे होटल पहुंच चुके थे। देन फिर हम नहा धो के बाहर जाने के लिए रेडी हो चुके थे और बाद में भाभी यहाँ पे सेल्फी ले रही थी और मैं नहा के बाहर शूट कर रही थी। देन होटल से निकलकर ही पास ही में कैफ़े था, वहाँ हमने खाना खाया और फिर उसके बाद हम 2 घंटे तक हम वहाँ बैठे रहे बिकॉज बहुत धूप हो रही थी बीच पे। सो उसके बाद हम मिडल बीच के लिए निकल चुके थे क्योंकि हमारा सेकेंड नाइट स्टे मिडल बीच पे था जो भी कैंपिंग का, आरके बीच कोटे से। एंड गाइज मिडल बीच वहाँ का फेमस बीच है। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं। एंड फाइनली गाइज हम मिडल बीच पहुंच चुके हैं और अभी सनसेट होने वाला है। सो बहुत ब्यूटीफुल व्यू हो रखा है एंड हमारी कैंपिंग भी यहीं लगी हुई है। सो आज बहुत मज़ा आने वाला है। सो अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं सामने बीच के पास एंड गाइज सच में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मिट्टी इतनी ठंडी हो रखी है ना कि चप्पल पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हम चप्पल कोई नहीं पहन के आए थे और गाइज आप देख सकते हो लिटरली बहुत लाइटिंग की वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।